नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में जो मैंने आपको सैक्सोफोन के नोटेशंस बताए थे वो आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे, और नहीं हुए तो आप दोबारा से याद कर लें, क्योंकि जब तक याद नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप सैक्सोफोन नहीं सीख पाओगे। दूसरी बात, ये जो मैं सैक्सोफोन सिखा रहा हूं, लर्न सैक्सोफोन डॉक्टर सीबी सविता, वो बहुत ही बेसिक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत बेसिक है। और जो बिगनर्स हैं, जो शुरू शुरू में सैक्सोफोन सीखना चाहते हैं लेकिन कुछ उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती, क्योंकि कई बार आपके पास में टीचर्स नहीं होते, कई बार आप ये भी जानते हो कि बहुत दूर जाना पड़ सकता है आपको, कई बार आपकी खुद की भी बहुत सारे कामों में व्यस्तता रहती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो ट्यूटोरियल बनाया है आप लोगों के लिए बनाया है, और इससे जो बिगनर्स हैं, जो सैक्सोफोन को शुरुआती तौर में सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, और जिस तरह से मैं समझा रहा हूं उस तरह से आपको सीखना चाहिए। तो पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि अपन ऊपर से नीचे की तरफ नोट बजाएंगे, और वो किस तरह से थे आप देखें। यही था ना, और यदि इसको इंग्लिश नोटेशन में लेते हैं तो आप जानते हैं क्या होएगा। BAGFEDC BAGFEDC। देखो कैसे, अब आपको जो मैं नई चीज सिखाने जा रहा हूं वो आप ध्यान से सुन ले। अब तक अपन ने सी जो नोट बजाया था वो लोअर सी नोट बजाया था, अब अपन को मिडिल वाले सी नोट में आना है, और मिडिल वाले सी नोट के लिए क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, केवल आप इसको देखें। इसमें भी अभी ध्यान रखेंगे, अभी ऑक्टेव की के हाथ नहीं लगा रहे हम लोग, केवल जो नोटेशन बजा रहे वो बिना ऑक्टेव की को प्रेस किए बजा रहे, ये भी आपको मालूम है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने तीन नोट बताए थे, फर्स्ट ये कौन सा नोट था, ये था बी, ये क्या था ए, और ये था जी, ठीक है ना। अब केवल आपको ये बीच वाला है, यदि आपने बीच वाले को दबा दिया प्लेन और बाकी सब छोड़ दिए, सारे नोट छोड़ दो आप, तो ये सी मिडिल बन गया आपका। कौन सा? सी मिडिल, बहुत ईजी है ना, बज गया। और नीचे वाला बजा के देखें आप, ये हो गया सी। और इसको भी लगाने के दो तरीके हैं, पहला तो या तो आप सिंपल आप ये वाली जो की है इसको आप प्रेस कर दें, ये जो ये सिंपल इसको प्रेस कर दिया तो ये सी नॉट मिडिल बन जाएगा आपका, या फिर आप ये जो की है जिसको क्या बोलते हैं बी, बी के बाद में क्या आता है सी आता है ना, तो बी के बी को प्रेस करते हुए आप क्या करें, ये जो इधर आपने देखा होगा ये तीन तीन साइड की है, आपको मिडिल वाली की को दबाना है, इसको ये मिडिल वाली, और इसको दबाने का तरीका कैसा होता है, साइड से ये यदि आपने ये प्रेस कर लिया और ये प्रेस कर लिया और ये आपका बन जाएगा बी सी। तो अब सी के तरीके हो गए, एक तो ये, दूसरा तरीका क्या हो गया। तो इस चीज को आप ध्यान से सुन ले, क्योंकि अब अपन नीचे से ऊपर चलेंगे। आपने ऊपर से नीचे तो आपने सीख लिया, वो मैंने इसलिए सिखाया था कि बहुत इजी होता है सैक्सोफोन को ब्लो करना फ्रॉम अपर टू लोअर। तो अब दोबारा से अपन क्या करेंगे, अब आपको सी नॉट मालूम पड़ गया मिडिल वाला, तो लोअर का सी से चालू करके मिडिल सी तक आपको आना है, कैसे देख लो आप। सारी गामा पधानी सा
CDEFGABC। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। कैसे? ये प्रैक्टिस करनी है, इसको करते रहो और जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो पहले वाला तो आप कर ही चुके हो। क्या? देखिए कैसे। मैंने आपको बी से स्टार्ट करके सी पे लाया था, अब आपको सी से स्टार्ट करके पूरी सरगम रिवर्स में। तो पहले कहते सारे गामा पदानी सा, फिर कहते सानी धा पा मा गरे सा, ऐसे कहते। ये प्रैक्टिस आपको करनी है और इसमें भी आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो पहले आपको थोड़ा लंबा नोट बजाना है, जैसे कहते या सात ले लो, सात बढ़ जाएगा आपका, बजाओगे तो सात बढ़ जाएगा। एक तरह का प्राणायाम है ये, आपको सांस रोक करके ये जो आप बजा रहे हैं, सांस नहीं ले सकते बीच में आप, जब तक आप सैक्सोफोन को बजाते रहेंगे सांस कैसे ले पाएंगे। देखिए कैसे, फिर वापिस रिवर्स में। ये पूरी सरगम हो गई आपको, है ना। ये सरगम की आपको प्रैक्टिस करनी है, शुरू शुरू में लंबे नोट लेने, उसके बाद में आप फास्ट कर सकते हो तो आप फास्ट करें। कैसे? आप देख रहे हो ना मैं किस तरह से बजा रहा हूं। सात तक अपन आ गए हैं, अब ये आप प्रैक्टिस करते रहें और प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। और ये जो अभी अपन बजा रहे हैं इसको अपन यदि इंग्लिश में बोलेंगे तो ये सी मेजर के नोटेशंस हैं, सी मेजर के नोटेशंस, ठीक है ना। तो आप इनकी प्रैक्टिस करो और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप सैक्सोफोन बजाने से पहले आप रीड को थोड़ी देर के लिए हाइड्रेट कर दें। मैंने बताया था कि पानी में डाल करके इसको थोड़ी देर रख दें, फिर इसको साफ कपड़े से पोंछ के लगा करके फिर बजाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज का जो टॉपिक था वो था सी नॉट मिडिल। समझ में आ गया आपके? दो तरह से लगाया जाता है, एक तो आप सिंपल जो अपनी जिससे ए बजाते हैं उसी को प्रेस कर दें, बाकी किसी की के हाथ नहीं लगाएं, ये सी बन जाएगा। और या फिर आपने ये जो बी के प्रेस कर लिया और उसके बाद में ये जो मिडिल वाली जो साइड की है इसको प्रेस कर दिया तो ये सी बन जाएगा। ठीक है सर? अब दोस्तों ये प्रैक्टिस करिए। और मैंने आपको बोला था ना कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो मेरे वीडियो आएगा आपको नहीं मिलेगा, नोटिस नहीं मिलेगा। तो अब देखो कैसे, तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर जरूर दबाना ताकि आपको टाइम पे मेरा वीडियो मिले। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।